ये क्या हो रहा है? औकात में युवान, बहुत मारा है क्या इस मूसर ने? नहीं बनी, थोड़ा सा। सूखा अचार, ना लाड ना प्यार, सिर्फ घुटली का भार। क्यों की मार पिटाई? हाँ, आज के ड्रामा की सजा मिली है इसे। तुझसे शादी करना चाहता था, इस फैमिली का मेंबर नहीं होता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे एक चीज है, तुम दोनों की जोड़ी ना राम जी ने मिलाई है। ये कचरे का डब्बा और तुम कचरा। जिस दिन मिल गए ना, सिर्फ बदबू फैलेगी। नहीं विराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युवान और बन्नी ना पुलाव की तरह है। युवान पुलाव है तो बन्नी पुलाव की खुशबू है। युवान चंदा मामा है ना, तो बन्नी चंदा मामा की रोशनी है। ऐसे गंदे वाले नहीं, कोई अलग नहीं कर सकता। चुप कर। युवान, तारे को पता है ये जो अंगूठी है ना, पहले हमारी उंगली से शायद इसलिए ना निकली क्योंकि शायद शंभू जी ये चाहते थे कि मैं इस अंगूठी को वापस लौटाने के बहाने से थारे घर आ सकूं और थारे को इस फटे दूध की खीर जैसे इंसान से बचा सकूं। तेरे को पता है तेरी शकल कैसी? सुबह सुबह उठ के अगर किसी इंसान ने तेरी शकल देख ली ना, तो पूरे दिन उसे खाटी डकार आती रहेगी। अब अगर खराबी तेरे में है ना, तो दूसरे क्यों सजा भुगते? कुछ तो इलाज करना होगा तेरा। कर इलाज, कर। नियति, माना कि आज युवान ने जो किया वो गलत था, पर विराज ने जो किया वो गलत ना, पाप है पाप। अब एक मानसिक रूप से कमजोर इंसान के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो क्या वो हम होने देंगे? नहीं। आप युवान की पत्नी बनना चाहते हो ना? हाँ। तो ऐसे में अगर आपके पति को, युवान को कोई परेशान करे या सताए तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनफैक्ट युवान को प्रोटेक्ट करूंगी। सिर्फ पत्तों की ढक लेने से फल की रक्षा ना हो, गए कांटा बनो। ऐसा कि अगर कोई हाथ भी लगावे ना, तो उसका हाथ पीड़ा से बिलबिला जाए। विजय भवा। जंग के मैदान में कभी कभी रक्षा करने के लिए हमला करना पड़े। आज अगर तुम एक बार हिम्मत दिखाओगी, जवाब दोगी, तो ये मूसल दोबारा युवान के कमरे की तरफ आंख तक ना उठा पाएगा। ये लो नियति, अब वो जाओ हटा के। मैं विराट से बात करती हूँ, उसे समझाऊंगी। तो करो ना बात, समझाओ उसे, पर उसी भाषा में जिस भाषा में इसे समझ आ सके। अरे लिहाज गया प्याज लेने। आज तो इस मूसल को पता चलना चाहिए, जब अपने सिर पे गिरती है ना तो क्या गुजरती है। हो जाओ शुरू नियति, चलो जंग के मैदान में दिखा दो इसने। हो जाओ शुरू नियति, बरसाओ इस पे। युवान थरा होने वाला पति है जो कमजोर है, तो कभी कभी ढाल कोई तलवार बनना पड़े। सबक सिखा दो इस मूसल ने, छोड़ना नहीं। शुरू हो जाओ नियति। जोर से और जोर से। मारती रह नियति। मार बाड़ी कचौड़ी सी करारी, इमरती सी गर्म लाके बचना जरा। सिलबट्टे में पीस के थारी चटनी बना दे। हाँ बचना तो रहा, जी बचना तो रहा। कभी लागे मिर्ची सी तीखी बड़ी, लाल गुलाल और ममता फुल्ली। मान्यती हाय दैया, हमारे बाबू की चुटाई हो रही है। मारते रहो जोर से। याद है ना दादा साहब ने कहा था कि युवान की होने वाली पत्नी को उसकी प्रेमिका बनके उससे स्नेह भी देना होगा और देवी मैया की तरह उसकी रक्षा भी करनी होगी। और जोर से। कैसी कैसी मां हैं आप? आपके बेटे के शरीर से चमड़ी ऐसे उधड़ रही है जैसे चाट पर से छिलका उतरता है, और आप खड़े खड़े देख रही हैं। तो रोकिए ना। पन्नी जो नियति से करवा रही है ना, काश मैंने बहुत पहले किया होता। आज ये नौबत ही ना आती। तारे होने वाले पति को मारा है इसने, आज तो हिसाब बराबर करके रुकना। जज्बात। ताई जी जल्दी चलिए, बन्नी नियति से विराट की सुताई करवा रही है। सुताई? क्या? चलो। दुर्गा बनो, काली बनो, तन से ना सही पर मन से तो ये राक्षसी है ना, जो अपने छोटे भाई पे हाथ उठावे है। बस करो, राज को ना और मत मारो, उसे भी दर्द हो रहा होगा ना, जैसे जैसे युवान को हुआ है वैसे। देखा तुमने, दिमाग के मामले में कमजोर सही पर दिल के मामले में थारे से बहुत आगे है ये। देख और सीख। ये क्या चल रहा है यहाँ? कुकिंग की क्लास चल रही थी। मैं नियति को यही सिखा रही थी कि अगली बार अगर युवान पर किसी ने हाथ उठाया ना, तो उस बदमाश की अकड़ के सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर सजा के तेल में ऊंची आंच पे डीप फ्राई करो और फिर तमीज के प्लेट में परोस के उसे खिला दो, तीखा तीखा, जरा स्वाद तो पता चले बदमाश ने। तो सीख गई ना आज आप अच्छे से, अगली बार ध्यान रखना। और अगर युवान से कभी कोई गलती हुई ना, तो उसे मीठी मीठी खीर के जैसे मीठे मीठे शब्दों और प्यार से समझाना, वो समझ जाएगा। वाह, क्या है यहाँ पे? मैं बताऊँ तुम्हारे को, यो विराज युवान ने मार रहे हो तो बेल्ट से, कारण युवान ने बन्नी के हाथ में अंगूठी पहना दी, बस। विराज, How dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आपने भी तो यही किया था ताया जी, इसने रट लगा रखी थी, बन्नी से शादी करूंगा, बन्नी से शादी करूंगा। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी शादी ना करें, इस कचरे की। समझाना जरूरी था, समझा दिया। मैं युवान का बाप हूं विराज, मैं अपने बेटे के साथ चाहे जो करूं। और सुन विराज, तेरी और बन्नी की जो भी दुश्मनी है, आई डोंट केयर, लेकिन अगर तुमने उस दुश्मनी का बदला मेरे बेटे युवान से लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं विराज, मैं छोड़ूंगा नहीं। और वीर समझा दे अपने बेटे को, आज के बाद इसने अगर मेरे बेटे को उंगली भी लगाई, विराज लास्ट वार्निंग, आप शांत रहिए, मैं बात करूंगा विराज से, आप बस शांत रहिए। क्या हुआ बच्चे, ठीक है तू? बहुत दर्द हो रहा है। युवान, युवान बेटा, युवान बेटा, are you fine? हाँ? एक बात कहूं अंकल साहब, आपको ना लंदन से ज्यादा यहाँ पे रहना चाहिए युवान के पास। हल्दी का गुण पिज्जा में स्वाद बढ़ाने का ना होवे, पर शरीर में लगे चोट को ठीक करने का होवे। ओरियोली, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि कहाँ रहना है और कैसे जीना है। भंडूसी मैडम, हमारे जिंदगी का ना एक ही उसूल है, चाहे दोस्ती करो या दुश्मनी, पर पूरी करो। अब बात युवान की है, तो मैं अंकल साहब से अपने मन की बात बोलने से पीछे ना रह सकी। और अंकल साहब, आप ना युवान ने प्यार से समझाइए कि शादी के हो गए और एक ही इंसान से हुए है, और जे ये आप रे अंगूठी युवान के सगी माँ की। सुनो, जाने दो माने नहीं। 3-4 दिन की ही तो बात है, उसके बाद इस लड़की की इस घर में ना तो कोई आने की वजह होगी और ना ही जरूरत। लेकिन युवान के साथ इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में माननी मुझे तुमसे और वीर तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या था ये सब? यह होता है, दो भाई हैं, भाइयों के बीच में झगड़ा छोटा मोटा होते रहता है और कभी कभार ये छोटी लड़ाई लग रही है। नहीं वीर, ये छोटी लड़ाई नहीं थी। मैं मानता हूं भाइयों में लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन ऐसी नहीं, और तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हारा बड़ा भाई मानसिक रूप से कमजोर हो। और ये पहली बार नहीं है जब मैंने विराज को, युवान को मिसट्रीट करते हुए देखा है। रामनवमी के दिन, उसके बाद और आज आई हैव नोटिस्ड विराज युवान को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ये तो अच्छा हो गया कि मैं इस समय लंदन में नहीं, मेरे बच्चे की शादी है, मैं यहां रुक गया हूं और विराज मेरे बेटे को किस तरह ट्रीट करता है मुझे ये सब कुछ यहां देखने को मिला। हेमंत, जस्ट काम डाउन। Of course, विराज ने जो किया था वो बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ कि विराज युवान से चिढ़ता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसके लिए भी विराज के पास एक रीजन है और वो रीजन ये है कि उसके दादू ने प्रॉपर्टी में उसके लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा, तो शायद इसीलिए वो युवान की गलती है नहीं ना? गलती सिर्फ विराज की। And trust me, Veer, I know पापा साहब। अगर पापा साहब को विराज में कॉन्फिडेंस होता तो बिल बनाते वक्त उनका दिल विराज के लिए जरूर पिघलता। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, विराज की गलती है भैया। विराज ने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में, तो भैया उसने जो किया उसके हिसाब से तो हम उसे नहीं परख सकते। देखा जाए तो पापा साहब ने क्या किया, हर चीज युवान के नाम पे, विराज के नाम पे कुछ। उसका भी दिल टूटा होगा, वो कैसे तो रिएक्ट करेगा ही ना भैया। डोंट माइंड वीर, एक सच बताऊं, तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल चुका है, ट्रस्ट मी। और पन्नी ने नियति के हाथों जो विराज की हालत की है, विराज टोटली डिजर्व्ड इट। भैया वो ना जाने क्या जादू सीख कर आई है पन्नी, इसका जादू तो हेमंत भैया पर भी चढ़ने लग गया। उस बन्नी ने कहा था ना कि शादी के बाद वो इस घर में नहीं आएगी, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले उसका इस घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।